सिक्स क्लास का चैप्टर फर्स्ट जो है हमारे पास नोइंग योर नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.3 का फर्स्ट सम देखो। एस्टिमेट ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग जर्नल रूल, कहता है जर्नल रूल लगा के एस्टिमेट जो है उससे ये सम जो है वो सॉल्व करो। तो कैसे करेंगे, हमें एस्टिमेट आता है नियरेस्ट, राउंड ऑफ करना, क्लियर। राउंड ऑफ करके हम इसका एस्टिमेट पहले लगाएंगे, फिर उसको एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे 100 प्लेस तक दिया हुआ है, 730, 998, तो 100 प्लेस तक हमने, उसने जनरल रूल कहा है इसलिए यहाँ पे 100 जो नियरेस्ट है वो हम करेंगे। कैसे, 730, 730 पहले लिख लिया, ठीक है। उसको देखा हमने कि राउंड ऑफ, राउंड ऑफ 730 का राउंड ऑफ कैसे होगा, फर्स्ट वंस टेंस हंड्रेड, हंड्रेड को अंडरलाइन किया, उसके नेक्स्ट जो डिजिट है उसे राउंड कर दिया। अब देखा कि ये जो है 3 5 से छोटा है, अगर छोटा है तो 7 ऐसे ही आएगा और नेक्स्ट जो है वो 0 हो जाएंगे दोनों। स्टूडेंट ये हमने फिफ्थ क्लास वाली जो अपनी वीडियो है उसमें जो आपको राउंड ऑफ सिखाए हुए हैं एस्टिमेट वाले सम, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 1000, आप वो फिफ्थ क्लास वाली वीडियो खोल के डिटेल से उसे समझ सकते हो। नेक्स्ट देखो 998, इसे भी राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे लास्ट 100 प्लेस को अंडरलाइन किया और नेक्स्ट डिजिट जो है उसे राउंड, ये 5 से बड़ा है इसलिए 9 में 1 प्लस हो जाएंगे, यहाँ 10 बन गया और लास्ट वाले 2 0। 100 नियरेस्ट कर रहे हैं तो लास्ट में 2 0 हैं, आएंगी ही आएंगी। अब इनको क्या कहा है उसने, ऐड करना, प्लस का साइन है, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करके हमारे पास आ गया यहाँ पे 1700, ये क्या है हमारा एस्टिमेटेड सम। तो स्टूडेंट ऐसे ही 1.3 का जो फर्स्ट सम है उसके हम नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही करेंगे, राउंड ऑफ करके जनरल रूल लगा के। फर्स्ट हमने किया सेकंड वाला बी पार्ट, 796 राउंड ऑफ, राउंड ऑफ करेंगे इसको। तो यहाँ पे 9 बड़ा है तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट 800, नेक्स्ट को राउंड ऑफ किया तो 300। दोनों का हमने डिफरेंस का माइनस लिखा हुआ है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, तो डिफरेंस में माइनस करेंगे दोनों को, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही नेक्स्ट सी पार्ट करेंगे, राउंड ऑफ देन प्लस कही है तो ऐड करेंगे इनको। नेक्स्ट सम में भी राउंड ऑफ करके डी पार्ट में सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, माइनस करेंगे उनको, क्लियर। ऐसे इसके सेकंड सम में भी हमने उसे ने क्या कहा, गिव ए रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। तो नियरेस्ट 100 करके सबको, फर्स्ट सम में दोनों एडिशन के साइन हैं तो इनको ऐड कर देंगे तीनों को, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड बी पार्ट में माइनस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट में भी माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे, लास्ट में भी माइनस का साइन है सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है कि नियरेस्ट 100 करके हमने फिर इसको सॉल्व करना है। ऐसे स्टूडेंट थर्ड सम करेंगे, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, जनरल रूल लगा के प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई के साइन दिए हुए हैं, सभी को पहले राउंड ऑफ करेंगे देन मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को हमने राउंड ऑफ किया यहाँ पे 100 के प्लेस में अंडरलाइन और नेक्स्ट डिजिट को राउंड, ये 5 से बड़ा है इसलिए 5 का यहाँ पे क्या बन जाएगा 6, तो 600। नेक्स्ट ऐसे ही 1 को अंडरलाइन किया, 6 को राउंड ऑफ किया तो 6 5 से बड़ा है, 1 में 1 ऐड हो जाएगा, 200 आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, आपको मल्टीप्लाई 0 डिजिट जिनके साथ हो उनकी मल्टीप्लाई सिखाई हुई है,
कि 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 आ गया। नेक्स्ट जितनी जीरो हो उनके साथ वो ऐसे ही साथ में लिख लेंगे, 4 0 लिख ली, यहाँ पे 1,20,000 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट, नेक्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। ये है हमारे लास्ट पार्ट के 3 पार्ट्स, सबको राउंड ऑफ करके मल्टीप्लाई कर देंगे।